गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। अपन बात कर रहे हैं भारतीय निर्वाचन आयोग, और आज अपन बात करेंगे भारत में चुनाव सुधार। इससे पहले जो वीडियो आया था उसमें भारत में निर्वाचन आयोग, उसके कार्य, उसकी भूमिका की चर्चा अपन ने की थी, और आज अपन बात करेंगे कि 1952 से प्रारंभ हुए चुनावी सिस्टम से वर्तमान में क्या क्या खामियां आई, और उसके लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं हमारे यहाँ पर की गई है, और किस प्रकार का ढांचा बन गया है और जिसमें सुधार की आवश्यकता है। अगर हम 1952 से देखें तो धीरे धीरे जो जो चुनाव संपन्न होते चले गए, वर्तमान तक अभी 17 आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 1952 में प्रथम आम चुनाव हुआ था और पिछला 17वां आम चुनाव 2019 में हुआ है। तो इन 17 आम चुनावों के बीच में कई उतार चढ़ाव आए हैं, हमने देखे हैं, और इन समस्त चुनाव व्यवस्थाओं से, चुनावों से ये बात स्पष्ट हुई है कि समय के साथ हमारी निर्वाचन व्यवस्था में कई खामियां घर करती चली गई, और अब वो इस कदर हावी हो गई है कि हमारा जो ढांचा है, जो संविधान निर्माता इसको बनाए रखना चाहता थे, वैसा ढांचा नहीं रह पाया है। धीरे धीरे समय के साथ बिगड़ता चला गया। इस चुनावी व्यवस्था में, निर्वाचन व्यवस्था में सुधार करने के लिए समय समय पर विभिन्न समितियों का गठन भी किया गया। विभिन्न व्यक्तियों ने, राजनीतिक दलों ने इस प्रकार के सुझाव भी दिए, प्रयास भी किए गए। कुछ प्रयासों में सफलता मिली तो कुछ आज भी दूर की कोड़ी साबित हो रहे हैं। हम आज इसी भारतीय चुनाव व्यवस्था में चुनाव सुधारों के संबंध में जो समितियां बनी है और उन्होंने जो सुझाव दिए हैं, हम उनकी चर्चा करेंगे। आपसे निवेदन, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए शुरुआत करते हैं भारत में चुनाव सुधार। इसके लिए सबसे पहले जो समिति बनी थी वो समिति थी तारकुंडे समिति, और इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। चुनाव सुधार के प्रश्न पर विचार और अध्ययन करने के लिए सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी नामक संगठन की ओर से जयप्रकाश नारायण ने एक समिति का गठन किया था। ये बात 1974 की। चुनाव सुधार पर विचार करने के लिए और पैदा हुई विभिन्न प्रकार की समस्याओं के अध्ययन करने के लिए एक संगठन बना हुआ था, सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी, और इस सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी की तरफ से जयप्रकाश नारायण इन्होंने एक समिति का गठन किया था जो तारकुंडी समिति के नाम से जाने गए। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश और प्रसिद्ध रेडिकल ह्यूमनिस्ट वीएम तारकुंडे इस समिति के अध्यक्ष थे। जयप्रकाश नारायण ने जब इस समिति का गठन किया था उस समय महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश वीएम तारकुंडे, जो रेडिकल ह्यूमनिस्ट के नाम से भी जाने जाते थे, इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, और 1974 में निर्मित इस समिति ने भारतीय चुनावी व्यवस्था में सुधार करने के लिए अपने सुझाव प्रस्तुत किए थे। इनके मुख्य सुझाव ये थे कि मताधिकार 21 वर्ष की बजाय 18 वर्ष की आयु में प्राप्त हो। इसने सबसे पहले ये सुझाव दिया था कि जो मताधिकार की आयु उस समय तक, हम बात 1974 की कर रहे हैं, उस समय तक भारतीय मतदाताओं को 21 वर्ष की आयु में मताधिकार प्राप्त था, और इस समिति ने यह कहा कि मताधिकार के लिए आयु 21 के बजाय 18 वर्ष होनी चाहिए। दूसरा, आय के स्रोतों का उल्लेख तथा आय व्यय का हिसाब लिखना समस्त राजनीतिक दलों के लिए अनिवार्य हो। ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव था जो आय व्यय से संबंधित था, जो राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की आय व्यय के बारे में बात करता है। इसमें ये लिखा गया कि आय के स्रोतों का उल्लेख होना चाहिए, यानी कि जो भी उम्मीदवार चुनाव व्यवस्था में खड़ा होता है, निर्वाचन में खड़ा होता है, सबसे पहले अपने निर्वाचन के पंजीयन पत्र में ही वो अपने आय के समस्त स्रोतों का उल्लेख करे, और आय व्यय का हिसाब लिखना प्रत्येक राजनीतिक दल के लिए अनिवार्य हो। आय का स्रोत और आय व्यय का हिसाब राजनीतिक दलों के लिए अनिवार्य करने का सुझाव इस समिति ने दिया था। उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की जांच हो। इसने ये भी कहा कि उम्मीदवार जो भी चुनाव में खर्च करता है, जो भी वो घोषणा करता है कि उसने इस चुनाव में इतना धन व्यय किया है, उसकी पूरी की पूरी जांच होनी चाहिए ताकि ये पता लगाया जा सके कि वास्तव में उम्मीदवार के द्वारा इतना ही धन खर्च किया गया है। राजनीतिक दल द्वारा किया गया
चुनाव खर्च उम्मीदवार के खर्च में शामिल हो, यानी कि राजनीतिक दल जो भी चुनाव का खर्च करता है उस निर्वाचन क्षेत्र से, उस निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार के खाते में वो चुनाव खर्च शामिल होना चाहिए। यानी कि अब तक यही है कि उम्मीदवार जो खर्च करता है उसकी सीमा तय है, लेकिन राजनीतिक दलों के द्वारा किए गए खर्च की सीमा तय नहीं। इसलिए राजनीतिक दल उम्मीदवार के पक्ष में भी बहुत बड़ी मात्रा में धन खर्च करते हैं। इसलिए समिति ने कहा कि उम्मीदवार जो भी खर्च करे, राजनीतिक दल जो भी खर्च करे वो खर्च उम्मीदवार के चुनाव खर्च में शामिल होना चाहिए। साथ ही उसने ये भी कहा कि चुनाव खर्च की सीमा बढ़ाई जाए, यानी कि चूंकि हम राजनीतिक दलों के द्वारा किए जाने वाले खर्च को भी उम्मीदवार के चुनावी खर्च में शामिल कर रहे हैं, इसलिए चुनावी खर्च की सीमा बढ़ाई जानी चाहिए। अगला सुझाव था मतदाता को डाक से भेजे जाने वाले 50 ग्राम तक की सामग्री मुफ्त हो, यानी कि उम्मीदवार या कोई भी राजनीतिक दल मतदाताओं को चुनाव संबंधी सामग्री भी भेज सकता है। और उसके लिए यह सुझाव दिया गया था कि जहाँ तक 50 ग्राम तक की सामग्री है वो डाक से मुफ्त में भेजी जानी चाहिए। अगला था लोकसभा व विधानसभा चुनाव के पूर्व सरकारें केवल कामचलाऊ कोई भी नया कार्य योजना कानून आदि का अधिकार ना हो। इस समिति ने यह कहा कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, जब लोकसभा या विधानसभा भंग कर दी जाती है उसके पश्चात जो भी सरकार होती है उस सरकार को, उस सरकार के मुखिया को राष्ट्रपति या राज्यपाल चुनाव तक, नई सरकार के गठन तक अपने पद पर रहने के लिए कहते हैं। तो ये एक प्रकार के कामचलाऊ सरकार होती है। तो ऐसी स्थिति में इस समिति ने कहा कि इस कामचलाऊ सरकार को किसी भी तरीके से नया कार्य करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, ना तो नया कार्य करे, ना कोई नई योजना बनाए, ना कोई नया कानून बनाए, केवल वो औपचारिक रूप से पद पर रहे, क्योंकि पद रिक्त नहीं रहना चाहिए। इसलिए केवल वो कामचलाऊ सरकार के रूप में कार्य करे, बाकी कोई महत्वपूर्ण निर्णय उसके द्वारा नहीं होना चाहिए। चुनाव के दौरान मंत्री सरकारी यात्रा न करे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सुझाव था। आज हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के मंत्री चुनाव के दौरान एक राज्य से दूसरे राज्य में भी जाते हैं और वो चुनाव प्रचार भी करते हैं। इस समिति ने कहा था कि चुनाव के दौरान कोई भी मंत्री सरकारी यात्रा ना करे, यानी कि इस प्रकार का कोई यात्रा नहीं होनी चाहिए जो सरकारी हो और जिस पर सरकारी धन व्यय होता हो। जमानत की राशि में बढ़ोतरी हो, इसके लिए कहा गया कि 500 से 2000 लोकसभा के लिए और 200 से 1000 विधानसभा के लिए हो। ये 1974-75 की बात है, उस समय भी ये राशि काफ़ी बड़ी हुआ करती थी। तो उस समिति ने कहा कि जमानत की राशि में बढ़ोतरी होनी चाहिए, जो लोकसभा में 500 रुपये हैं उसको बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया जाना चाहिए, और जो राज्य विधानसभाओं के लिए 200 रुपये की जमानत राशि है उसको बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया जाना चाहिए। राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के लिए रेडियो टीवी पर समय दिया जाए, यानी राजनीतिक दल जो भी चुनाव प्रचार करना चाहता है उसके लिए उसको रेडियो के माध्यम से भी और टीवी के माध्यम से भी चुनाव प्रचार करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। आजकल तो चूंकि सोशल मीडिया है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव प्रचार किया जाता है, उस समय चुनाव प्रचार के लिए रेडियो टीवी जैसे ही साधन हुआ करते थे। इसलिए इस समिति ने कहा था कि राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के लिए इनके ऊपर समय दिया जाना चाहिए। राज्य में निर्वाचन आयोग स्थापित किया जाए तथा केंद्रीय निर्वाचन आयोग में एक के बजाय 3 सदस्य हो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सुझाव था। बाद में राज्यों में निर्वाचन आयोग 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1993-94 में स्थापित किए गए थे। इसलिए इस समिति ने 1974 में ही ये कह दिया था कि राज्यों में भी प्रत्यक्ष निर्वाचन आयोग होने चाहिए। और इसके अलावा केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो उस हम बात करें 1974 की, जो उसमें एक सदस्य हुआ करता था, इसके लिए इस समिति ने ये कहा था कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग में एक के बजाय 3 सदस्य होने चाहिए, यानी कि आयोग 3 सदस्य होना चाहिए। ये इस समिति का सुझाव था। उसके पश्चात दूसरी समिति आती है 8 दलीय स्मरण पत्र। 22 अप्रैल 1975 को प्रधानमंत्री के साथ चर्चा के दौरान 8 राजनीतिक दलों की ओर से सरकार को एक संयुक्त स्मरण पत्र दिया गया, यानी कि हम 1975 की बात करें, 22 अप्रैल 1975 इस दिन प्रधानमंत्री के साथ चर्चा के दौरान प्रमुख रूप से 8 राजनीतिक दल उपस्थित थे और इन्होंने एक स्मरण पत्र प्रदान किया प्रधानमंत्री महोदय को, और उसमें कुछ चुनाव सुधार से संबंधित, चुनावी व्यवस्था में सुधार से संबंधित, चुनावी व्यवस्था में परिवर्तन से संबंधित कुछ सुझाव इन 8 दलों के द्वारा दिए गए थे। इसको 8 दलीय स्मरण पत्र कहा गया, जो 22 अप्रैल 1975 को सौंपा गया था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को। इसमें इनकी जो सिफारिश थी वो इस प्रकार थी, मताधिकार की आयु 21 की बजाय 18 वर्ष हो। तारकुंडे समिति ने भी ये सुझाव दिया था और
आठ दलीय स्मरण पत्र में भी यह सुझाव दिया गया था। बाद में 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई 1981 में। आम निर्वाचनों के बीच उठने वाले सार्वजनिक प्रश्नों पर लोक निर्णय की व्यवस्था। यदि चुनाव के दौरान अगर कोई भी प्रकार का सार्वजनिक प्रश्न पैदा होता है तो उसके लिए लोक निर्णय की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि जनता की राय ली जानी चाहिए। प्रतिनिधियों के प्रत्यावर्तन यानी कि रिकॉल के लिए समिति बनाई जाए। इस समिति ने यह बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिया था। इस आठ दलीय स्मरण पत्र में यह लिखा गया था कि प्रतिनिधियों के प्रत्यावर्तन यानी कि रिकॉल यानी कि प्रतिनिधियों को वापस बुलाना। जनता एक बार जिस क्षेत्र से भी किसी प्रतिनिधि को चुनकर लोकसभा में या राज्यों की विधानसभाओं में भेज देती है उसको वापस बुलाने का इस आठ दलीय स्मरण पत्र में उल्लेख किया गया था। इसमें यह लिखा गया था यदि रिकॉल करने की व्यवस्था हो तो उसके लिए एक समिति बनाई जानी चाहिए और समिति के माध्यम से निर्णय किया जाना चाहिए। निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय हो, ये तारकुंडे समिति ने भी कहा था कि निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय होना चाहिए और आठ दलीय स्मरण पत्र में भी लिखा गया था कि निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय होना चाहिए यानी एक से ज़्यादा सदस्य इसमें होना चाहिए। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, ये जो भी आयोग में आयुक्त होंगे जो भी निर्वाचन आयोग के सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी। कैसे होगी? प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश व विरोधी दल के नेता के 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर। आठ दलीय स्मरण पत्र ने कहा था कि निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय होना चाहिए और इसमें जितने भी सदस्य हों उन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करे और राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर करे और इस समिति में एक तो प्रधानमंत्री हो, एक भारत के मुख्य न्यायाधीश हो और एक विरोधी दल के नेता हो। इन 3 व्यक्तियों की समिति की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति करें। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राज्यों के लिए स्थायी निर्वाचन आयोग नियुक्त करें। इस आठ दलीय स्मरण पत्र में फिर से ये बात दोहराई गई थी कि राज्यों के लिए भी निर्वाचन आयोग होना चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राज्यों के लिए स्थायी रूप से निर्वाचन आयोग की स्थापना करेंगे। मैंने भी आपको कहा कि 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से राज्यों के लिए निर्वाचन आयोगों की व्यवस्थाएं की गई है। चुनाव में गड़बड़ी की शिकायतों की जांच के लिए केंद्र व राज्यों में प्रतिनिधियों व निर्दलीय व्यक्तियों की निर्वाचन परिषदें स्थापित की जाए जिन्हें वैधानिक स्तर प्राप्त हो। अगर चुनाव में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत होती है, किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की शिकायत हो तो उसके लिए एक जाँच समिति बनाने की बात इस आठ दलीय स्मरण पत्र में कही गई थी। इसमें कहा गया कि जांच के लिए केंद्र व राज्यों में दोनों ही स्तर पर, अगर लोकसभा के लिए आम चुनाव है तो केंद्र और राज्यों के लिए आम चुनाव है तो राज्यों दोनों स्तर में प्रतिनिधियों व निर्दलीय व्यक्तियों की यानी प्रतिनिधि जो चुनाव में खड़े हुए हैं जो जीत कर आए हैं वो और दूसरे निर्दलीय व्यक्तियों उनकी निर्वाचन परिषदें बनाई जानी चाहिए जो वैधानिक स्तर यानी जो कानून की शक्ति के साथ हो, कानून द्वारा स्थापित हो और कानून उसको शक्ति प्राप्त हो ताकि वो गड़बड़ियों की जांच कर सके और जांच करके निर्णय कर सके। देश भर में एक दिन में ही चुनाव हो, मतदान केंद्र पर केवल एक मतपेटी हो और मतगणना केंद्रवार हो। ये आजकल जो चर्चा चल रही है कि पूरे भारत में एक साथ चुनाव करवाना लोकसभा के लिए भी और समस्त राज्यों की विधानसभाओं के लिए भी, ये बात सबसे पहले इस आठ दलीय स्मरण पत्र में कही गई थी। इसमें कहा गया था कि देश भर में एक दिन में ही चुनाव हो, एक दिन में ही यानी कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो रहा हो चाहे राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव हो रहा हो, पूरे देश में जहाँ कहीं पर भी चुनाव एक ही दिन में होना चाहिए। प्राय हमने देखा है कि जैसे लोकसभा का चुनाव होता है तो कई चरणों में होता है, 4 चरण में 5 चरण में 7 चरण में। राज्यों की विधानसभाओं के भी चुनाव होते हैं तो भी एक से ज़्यादा चरणों में होते हैं, एक दिन में चुनाव नहीं होते। इसलिए इसमें यह कहा गया था कि एक ही दिन में चुनाव होना चाहिए और मतदान केंद्र पर केवल एक मतपेटी हो, उसमें मतपेटी के माध्यम से चुनाव होता था, ईवीएम के माध्यम से नहीं होता था। 1975 की बात है तो उसमें यह कहा गया था कि मतदान केंद्र पर केवल एक ही मतपेटी होनी चाहिए और मतगणना केंद्रवार हो, यानी कि जितने केंद्र होंगे उस प्रत्येक केंद्र पर मतगणना होनी चाहिए। फिर आई थी दिनेश गोस्वामी समिति मई 1990 में। इस समिति की स्थापना राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने 1990 ईस्वी में की थी। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार जिसके वीपी सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, इस सरकार ने 1990 ईस्वी में, मई 1990 में
दिनेश गोस्वामी समिति की स्थापना की थी और इसको चुनावी व्यवस्था में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए सुझाव देने के लिए समिति का गठन किया गया था। इस समिति के प्रमुख सिफारिश इस प्रकार है, निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय हो। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो अपने दिनेश गोस्वामी समिति कर रहे हैं इनमें प्रत्येक बिंदु के आगे कुछ ना कुछ संकेत लगा हुआ, जैसे 1 नंबर बिंदु के आगे स्टार का चिन्ह लगा हुआ है, 2 नंबर बिंदु के आगे हैश का निशान लगा हुआ है, किसी के आगे 1996 वगैरह ऐसे लिखा होगा। इसकी चर्चा अपन जब ये समिति की पूरी सिफारिश कर लेंगे उसके बाद करेंगे। ये संकेत आप ध्यान रखिएगा, इसमें मैंने कुछ इंडिकेट किया कि इसका मतलब क्या निकलता है। तो निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय हो, याद रखिएगा कि बाद में 1993 में निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय बना दिया गया था। हालांकि एक बार 1990 में बनाया गया था लेकिन वापस इसको समाप्त कर दिया गया और 1993 में फिर से स्थापित किया गया। तब से लगातार निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय ही बना हुआ है। तो इसकी पहली सिफारिश थी कि निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय होना चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश तथा विपक्ष के नेता के साथ विचार विमर्श करके राष्ट्रपति द्वारा हो। इसमें यह कहा गया था दिनेश गोस्वामी समिति ने कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता के साथ विचार विमर्श के माध्यम से राष्ट्रपति के द्वारा की जानी चाहिए और अन्य आयुक्तों की मुख्य निर्वाचन आयुक्त के विचार विमर्श से। यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेंगे और मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता के परामर्श से करेंगे और इसके अलावा जो अन्य आयुक्त होंगे उनकी नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश से या विचार विमर्श से राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। इसके आगे हैश लगा हुआ ध्यान रखिएगा। मुख्य व अन्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी बाद में हो। इसमें तीसरी सिफारिश ये थी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी बाद में हो वहां तक होना चाहिए। और वर्तमान में मैं बता दूं आपको 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु का प्रावधान है। यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते। 1981 की जनगणना के आधार पर परिसीमन करना, याद रखिएगा वर्तमान में जनगणना का आधार 1971 की जनसंख्या को माना गया। इसमें इस दिनेश गोस्वामी समिति ने यह सुझाव दिया था कि जनगणना का आधार 1981 की जनगणना होनी चाहिए और उसके आधार पर दोबारा से परिसीमन करने की आवश्यकता है। बहुसदस्यीय फोटो पहचान पत्र इसको स्वीकार किया गया। आज हम ये जानते हैं कि वर्तमान में सभी मतदाताओं को बहुउद्देश्यीय फोटो पहचान पत्र दिए गए जो केवल चुनाव के लिए ही नहीं बाकी अन्य कार्यों में भी इस्तेमाल में लाए जाते हैं। इसलिए बहुउद्देश्यीय फोटो पहचान पत्र की बात सर्वप्रथम दिनेश गोस्वामी समिति ने की थी। 2 से अधिक क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं हो। इस समिति ने यह कहा था कि प्रत्येक उम्मीदवार के लिए निश्चित मापदंड होना चाहिए कि वो एक साथ 2 से अधिक चुनाव क्षेत्रों से चुनाव ना लड़े और 1996 में से लागू कर दिया गया था। याद रखिएगा वर्तमान में एक व्यक्ति अधिकतम 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है, 2 से ज़्यादा जगह से चुनाव लड़ने का अधिकार उसको नहीं है। डाले गए कुल मतों के 1/4 से कम मत प्राप्ति पर जमानत जब्त होनी चाहिए। यही समिति ने कहा था कि अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र से किसी व्यक्ति की जमानत जब्त होती है, जमानत के भी अपन ने बात की थी कि जमानत जब्त होती है तो उसके लिए मापदंड होना चाहिए कि जितने भी मत डाले गए उनका 1/4% यानी कि 25% यदि मत प्राप्त नहीं करता कोई उम्मीदवार तो उसकी जमानत जब्त होनी चाहिए। वर्तमान में 1/10 का आंकड़ा रखा गया है, इसलिए 1/4 यानी कि इसने 25% की बात कही थी। इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन का प्रयोग हो, याद रहेगा 1998 से EVM का प्रयोग भारत में प्रारंभ कर दिया गया था और वर्तमान में चाहे किसी भी तरह का चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे राज्य के विधानसभाओं के चुनाव हो, पूरे भारत में EVM के माध्यम से ही चुनाव संपन्न होते हैं। सर्वप्रथम इस दिनेश गोस्वामी समिति ने सुझाव दिया था कि भारत में चुनाव मतपेटी मतपत्र के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से होना चाहिए। मतदान केंद्रों पर कब्जा, मतदाताओं को डराने धमकाने के खिलाफ विधायी उपाय किए जाने चाहिए। यानी कि जो समय समय के साथ ये कुछ बुराइयाँ आ गई थी जिसमें मतदान केंद्रों पर कब्जा करने की बातें थी बिहार में, उत्तर प्रदेश में, तो बहुत बड़े पैमाने पर हुआ करता था और साथ साथ मतदाताओं को डराने धमकाने और उनको डरा धमका कर जबरदस्ती अपने पक्ष में मतदान करवाने की बुराइयाँ भी कर गई थी। इसके लिए कुछ ऐसे कानूनी उपाय किए जाने चाहिए ताकि मतदान केंद्रों पर कब्जा ना हो सके और मतदाताओं को डराया धमकाया ना जा सके। इस
सिफारिश को भी 1996 में स्वीकार कर लिया गया था। मान्यता प्राप्त प्रांतीय दलों को निश्चित सीमा तक राज्य की ओर से धनराशि प्रदान की जानी चाहिए। इस समिति ने कहा था कि जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है, मान्यता प्राप्त हमारे यहाँ दो प्रकार की श्रेणियाँ हैं, एक तो राष्ट्रीय दल और एक राज्य स्तरीय दल, जिनको निर्वाचन आयोग मान्यता प्रदान करता है। इसके अलावा एक गैर मान्यता प्राप्त की श्रेणी और होती है। तो इसमें ये कहा गया था दिनेश गोस्वामी समिति ने कि जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है, चाहे वो राष्ट्रीय दल हो चाहे वो राज्य दल हो, उनको राज्य के द्वारा एक निश्चित धनराशि चुनाव के लिए दी जानी चाहिए थी। यानी कि एक प्रकार से सरकार को चुनावी खर्च उठाने के बारे में इस समिति ने कहा था। दल बदल कानून के अंतर्गत अयोग्यता केवल स्वेच्छा से त्यागपत्र देने और अविश्वास प्रस्ताव, धन विधेयक अथवा राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव के मामले में 10% तक पार्टी व्हिप के विरुद्ध मतदान करने या अनुपस्थित रहने को ही माना जाना चाहिए। एक बार मैं बता दूं आपको कि अगर किसी व्यक्ति की दल बदल के माध्यम से सदस्यता समाप्त हो जाती है तो क्या प्रावधान होने चाहिए। इस समिति ने कहा था कि दल बदल कानून के अंतर्गत अयोग्यता सुनिश्चित होनी चाहिए, लेकिन किस आधार पर? कि यदि वो स्वेच्छा से त्यागपत्र दे देता है अयोग्य माना जाएगा, यदि विश्वास प्रस्ताव के समय पार्टी व्हिप 10% के द्वारा व्हिप जारी करने के बावजूद भी अनुपस्थित रहता है, धन विधेयक के मामले में अथवा राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव के मामले में भी वो पार्टी के द्वारा व्हिप जारी करने के बावजूद भी यदि वो अनुपस्थित रहता है तब उसको अयोग्य माना जाना चाहिए। ध्यान रखिएगा कुछ महत्वपूर्ण बातें। दल बदल कानून के अंतर्गत अयोग्यता कैसे माना जाएगा? इस समिति ने कहा था कि यदि वो स्वेच्छा से त्यागपत्र दे देता है, यदि वो विश्वास प्रस्ताव के दिन अनुपस्थित रहता है, यदि वो धन विधेयक पर अनुपस्थित रहता है, यदि राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव के मामले में अनुपस्थित रहता है, दल सचेतक ने पार्टी व्हिप जारी कर दिया फिर भी अनुपस्थित रहता है, तो ऐसी स्थिति में उसको अयोग्य माना जाना चाहिए। राष्ट्रपति या राज्यपाल को निर्वाचन आयोग की राय जानने के पश्चात ही अयोग्यता के मामले में निर्णय लेना चाहिए। राष्ट्रपति इसके बारे में आम जो लोकसभा है उनके सदस्यों के बारे में और राज्यों की विधानसभाओं के मामले में राज्यपाल जब भी किसी व्यक्ति की अयोग्यता के बारे में निर्णय ले तो उससे पहले वो निर्वाचन आयोग से परामर्श अवश्य लेना चाहिए। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के सभी उम्मीदवारों को मत पत्र में बाकी उम्मीदवारों से ऊपर रखना, ये भी 1996 में स्वीकार कर लिए गए थे। इसमें यह कहा गया था कि जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, अभी मैंने बताया आपको मान्यता प्राप्त की दो श्रेणियां हैं, एक तो राष्ट्रीय दल और एक राज्य स्तरीय दल के रूप में, तो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जो उम्मीदवार हैं उनको मतपत्र में सभी उम्मीदवार से ऊपर रखना। आज भी यही बात है कि सबसे पहले जो राष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है उनके उम्मीदवारों के नाम आते हैं, उसके पश्चात जो राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवार हैं उनके नाम आते हैं, और उसके पश्चात निर्दलीयों के नाम आते हैं। तो इसको स्वीकार किया गया था 1996 में। मतदान केंद्र पर कब्जा करने के अपराध का विस्तारण, इसको संज्ञेय बनाना तथा सरकारी कर्मचारियों के लिए इसे और अधिक कठोर बनाना, इसे भी 1996 में स्वीकार कर लिया गया था। यानी कि मतदान केंद्र पर कब्जा करने का अपराध जो है उसको बहुत ही ज़्यादा कठोर बनाया गया था, और विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए तो और भी ज़्यादा कठोर बना दिया गया। 1996 में इसको स्वीकार कर लिया गया और आज ये बहुत ही कठोर अपराध की श्रेणी में आता है। किसी सीट के रिक्त होने की 6 माह की अवधि में उपचुनाव होना चाहिए, 1996 में इससे भी स्वीकार कर लिया गया था कि अगर किसी कारण से कोई भी सीट रिक्त हो जाती है, चाहे वो लोकसभा की हो, चाहे राज्यों की विधानसभा की हो, चाहे राज्यसभा की हो, चाहे विधान परिषद की हो, चाहे राष्ट्रपति की हो, किसी भी प्रकार की किसी भी सीट रिक्त हो जाते हैं किसी भी कारण से, तो उसके 6 माह के भीतर भीतर उपचुनाव होना चाहिए। इसको 1996 में स्वीकार कर लिया गया था, आज भी यही व्यवस्था है। मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले जुलूस या बैठकों की मनाही, इसे भी 1996 में स्वीकार कर लिया गया था कि मतदान समाप्ति के 48 घंटे पहले जो भी चुनावी प्रचार होता है वो बंद हो जाता है, किसी भी प्रकार की बैठक नहीं हो सकती, किसी प्रकार का जुलूस नहीं हो सकता, किसी प्रकार की रैली का आयोजन नहीं हो सकता, केवल घर घर जाकर उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क कर सकता है, इसके अलावा कोई भी कार्रवाई प्रचार के संबंध में नहीं हो सकती। इस समिति ने सुझाव दिया था और इसको 1996 में स्वीकार कर लिया गया था। मतदान के दिन औद्योगिक उपक्रम अथवा संस्थान के कर्मचारियों को सार्वजनिक अवकाश देना,
1996 में इसे भी स्वीकार कर लिया गया था। इस समिति ने कहा था कि मतदान के दिन जो विभिन्न प्रकार के उपक्रमों में लगे हुए, औद्योगिक संस्थानों में लगे हुए, कल कारखानों में लगे हुए, फैक्ट्रियों में लगे हुए, उन कर्मचारियों को उस दिन अवकाश दिया जाना चाहिए ताकि वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। इसमें यह भी कहा गया था कि सवैतनिक अवकाश दिया जाना चाहिए, यानी कि नियोक्ता जो कर्मचारियों को नियुक्त करता है इन संस्थानों में, नियोक्ता उनका वेतन उस दिन का नहीं काटे और उनको वेतन सहित अवकाश दिया जाना चाहिए। इसको भी 1996 में स्वीकार कर लिया गया था। अभी मैंने कहा आपको कुछ संकेत है, संकेत स्टार का संकेत मैंने बतलाया था आपको कि 1 अक्टूबर 1993 को आयोग 3 सदस्यीय बना। इससे पहले आयोग 1 सदस्यीय हुआ करता था। मैंने आपको ये भी बताया था कि एक बार कुछ समय के लिए 1990-91 में आयोग को 3 सदस्यीय बनाया गया था, लेकिन वापस 1 सदस्यीय बना दिया गया और 1 अक्टूबर 1993 से आयोग को 3 सदस्यीय बनाया गया। तब से लेकर आज तक आयोग 3 सदस्यीय बना हुआ है। इसके बारे में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ। 1990 में ये सिफारिशें दी गई थी और उसके पश्चात से आज तक इन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, जिनके आगे हेस का निशान लगा हुआ है, यानी कि इन पर अब तक तो कोई निर्णय नहीं हुआ। और बहुत सी सिफारिश 1996 के लोक प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1996 द्वारा स्वीकार कर ली गई और इनको लागू कर दिया गया। चौथी समिति है इंद्रजीत गुप्त समिति, जो 1998 में बनाई गई थी। इसकी सिफारिश थी लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव का व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाए। इसने स्पष्ट रूप से कह दिया कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे राज्यों की विधानसभा का चुनाव हो, चुनाव का समस्त व्यय जो है वो सरकार द्वारा उठाया जाना चाहिए, यानी कि जो उम्मीदवार है वो किसी भी प्रकार का चुनाव व्यय ना करे और सारा सारा खर्च जो है सरकारों को उठाया जाना चाहिए। ऐसे प्रत्याशी जो अपना वार्षिक आयकर रिटर्न दाखिल करने में असफल हैं को चुनाव में आर्थिक सहायता न दी जाए, यानी कि किसी प्रत्याशी ने यदि अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, यानी कि आईटीआर नहीं भरा है, तो उसको किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता चुनाव के दौरान नहीं दी जानी चाहिए। साथ ही 10,000 से अधिक चंदे की राशि ड्राफ्ट अथवा चेक के माध्यम से प्रदान किए जाने की व्यवस्था हो। जो विभिन्न राजनीतिक दलों को जो चुनावी चंदा प्राप्त होता है, अगर किसी भी राजनीतिक दल को 10,000 से ऊपर चंदा प्राप्त हुआ है तो वो चंदा या तो ड्राफ्ट के माध्यम से होना चाहिए या चेक के माध्यम से होना चाहिए, नकद किसी भी प्रकार से ना हो, क्योंकि नकद अगर होता है तो इसका मतलब है कि इसमें काला धन चल सकता है, काला धन का उपयोग हो सकता है। इसलिए इंद्रजीत गुप्त समिति ने कहा था कि ये 10,000 से ऊपर की जो राशि चंदे के रूप में वो या तो ड्राफ्ट के रूप में होनी चाहिए या चेक के रूप में होनी चाहिए। तो ये विभिन्न प्रकार की 4 समितियाँ या एक जो 8 दलीय स्मरण पत्र था उसने हमारी चुनावी व्यवस्था में जो कमियां थी उनको दूर करने हेतु समय के साथ अपने सुझाव दिए थे और इन कुछ सुझावों को स्वीकार किया था गया था और कुछ सुझाव आज भी लंबित है जिन पर निर्णय किया जाना बाकी है। हालांकि समय के साथ हमारी चुनाव व्यवस्था में काफ़ी कुछ परिवर्तन आया है। टीएन सेशन के चुनाव आयुक्त बनने के पश्चात तो बहुत आमूलचूल परिवर्तन आया था, तो आशा है और भी आगे इसमें और परिवर्तन देखने को मिलेगा। आज का वीडियो इतना ही और अगले वीडियो में अपन कुछ और चुनावी जो व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कहीं पर वो कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा निवेदन आपसे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।